जगदलपुर से देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ रेंज कार्यालय में 8वें बटालियन के जवानों के द्वारा ही गाड़ी जनते पर आपको बता दें कि पर्यटन के लिए मशहूर चित्रकूट जलप्रपात के साथ ही नजदीक साफ सफाई और स्वच्छता की सेवा के साथ ही यह संदेश दिया गया है कि गांधी जयंती के मौके पर ही स्वच्छता सेवा अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही सीआरपीएफ के वटीरी के जवानों की तरह चित्रकूट जलप्रपात के साथ ही आसपास फैली गंदगी को भी साफ सफाई करनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि सीआरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा ही अनुशासन के अनुसार ही आपको बता दें स्वच्छता पर ही सेवा को बढ़ावा देने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर ही सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा ही साफ सफाई अभियान चलाया गया है। इसे यह संदेश देने का अनुभव किया गया है कि हम अपने आसपास के जगह पर स्वच्छता के साथ साथ देश विदेश की सैलानी आते और आपको बता ऐसी जगह पर साफ सफाई रखना हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं प्राइम बी के न्यूज चैनल की तरफ से खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 150वां जन्मदिन है। उन्होंने अपने जीवन काल दौरान इस देश की धरा को प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इन नज़ारों को खूबसूरत रखने के लिए, इनको साफ सुथरा रखने के लिए हमें प्रेरणा दी। उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता ही सेवा का अभियान जो चलाया जा रहा है, उसी के तहत आप देख रहे हैं आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 80 बटालियन रेंज ऑफिस जगदलपुर की तरफ से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस सफाई अभियान में 150 के लगभग लोगों ने हिस्सा लिया है। हमारा जो है इस चित्रकूट वाटरफॉल को साफ सुथरा रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि भारत की इस सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम लोग सामने आए। हर एक नागरिक का फर्ज है तो वो गंदगी ना फैलाए। यदि वो गंदगी नहीं फैलाएगा तो सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो बहुत कम, इसे हम समय से कर सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा। देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन